बात किसानों की करते हैं। किसान आंदोलन के उल्टे गिनती शुरू हो चुकी है। गाजीपुर बॉर्डर पर इलाकों में यहां पर बिजली काटी गई है। अंधेरे में पड़े किसानों के टेंट, किस तरीके से बिजली काटी गई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन स्थल पर शिकंजा पुलिस ने कसा है। टिकैत ने कहा कि लाठी के जोर पर नहीं दबा सकते आप आंदोलन को। तो यहां पर देखिए उल्टी गिनती अब किसान आंदोलन की शुरू हो चुकी है। बिजली काटी गई है और ऐसे में राकेश टिकैत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लाठी के जोर पर आप इस आंदोलन को नहीं दबा सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा गणतंत्र दिवस के दिन किस तरीके से हुड़दंग किसानों ने मचाया और उसके बाद तमाम सवाल इस आंदोलन को लेकर भी खड़े हो गए हैं। और ऐसे में अब राकेश टिकैत किसान नेता ने कहा कि लाठी के जोर पर आप इस आंदोलन को नहीं दबा सकते हैं। दरअसल जो स्थल है वहां पर आंदोलन स्थलों पर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली हिंसा के बाद कार्रवाई अब की जा रही है और साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर इलाके में बिजली काटी गई है। यानी कि कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आप किसान आंदोलन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर इलाके में बिजली काटी गई है और अंधेरे में किसानों के टेंट पड़े रहे। जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है अब इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है कि आप ऐसे यानी कि लाठी के जोर पर इस आंदोलन को नहीं दबा सकते हैं। दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद जिस तरीके से सवाल पूरे देश में उठे इस आंदोलन को लेकर और जिस तरीके से लोगों ने तस्वीरें देखी उसके बाद तमाम सवाल हर किसी के जहन में खड़े हुए और अब कार्रवाई करना पुलिस ने शुरू कर दिया है। काटी गई है और एक डराने का एक दहशत फैलाने का जो सरकार जो पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है वो नहीं कि गाजीपुर पर जो लोग बैठे हुए हैं और गांव में कोई और लोग नहीं है। इस तरह की कोई भी हरकत पुलिस प्रशासन ना करे। और